गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 22, एडवर्ब ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स, एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण बोलते हैं, जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा शब्द होता है विच एड्स समथिंग, जो कि मीनिंग में, जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे, उसे बोलते हैं हम। ये सिक्स काइंड्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशंस। आज हम करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या मीनिंग है? इट शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन। इसमें क्या है कि कितना कुछ किया जाता है, जब कोई शब्द क्या कुछ करता है, कितना कुछ करता है। जैसे कि व्हेन अ वर्ड शो टू व्हाट एक्सटेंट हाउ मच समथिंग इज डन, इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या है, आंसर द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। हाउ मच मतलब कि कितना है, कितनी क्वांटिटी है, कितना है। हाउ मच मतलब उसकी जो, हाउ मच कितना है, ये आंसर उसका क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि ही वाज वेरी मतलब थका हुआ है, बहुत बहुत, वेरी मैंने बहुत थका हुआ है। ऐसे ही देखिए, द सी इज़ वेरी काल्म। सी क्या मतलब, समुंदर बहुत शांत है, वेरी काल्म शांत है। यू आर ए प्रिटी गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। शी सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग, यू आर पार्टली राइट। राम इज एज टैल एज लक्ष्मण। ये सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नॉट देखिए, द एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है कोई आंसर देता है क्वेश्चन का, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब मॉडिफाई करता है द वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को, जो दूसरे एडवर्ब्स होते हैं उसको मॉडिफाई करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री के देखिए, जिसमें कि यूज़ करेंगे हम मच, इनफ, क्वाइट, ओनली, आलमोस्ट, टू, नियरली, कम्प्लीटली, प्रीटी, एक्सट्रीमली। आगे देखिए, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट ऑन दिस पॉइंट। ऑलमोस्ट मतलब भाई तुम, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो है करेक्ट हो इस दिस पॉइंट पे। आगे देखिए, दे आर कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट मैंने पूरी तरह से, ऑलमोस्ट मैंने क्या है, पूरी तरह से करेक्ट हो दिस पॉइंट्स पे। जैसे दे आर कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से पॉज्ड फॉर द मेन पार्ट्स। द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, मतलब उससे जो है क्या, इज एज वाइट एज साल्ट। एज क्या है, जैसा, मतलब स्नो जो है किसके जैसा है, साल्ट के जैसा है। सरिता इज क्वाइट केयरलेस इन स्टडी। क्वाइट क्या है, काफ़ी केयरलेस है स्टडी में। दे आर एक्सट्रीमली गुड फॉर मैन माई कंपनी। एक्सट्रीमली मैंने अत्यंत जो होता है। आई एम क्वाइट मैंने चुपचाप है, हैप्पी एट यूर परफॉर्मेंस। शी हैज़ गॉट ओनली केबल, इट इज़ टू हॉट टू डे, काफ़ी गर्मी है। द काउ नीड्स मच वाटर, मच वाटर मतलब ज़्यादा, बहुत मतलब उसे पानी की नीड है। इट इज़ एक्सट्रीमली मैंने अत्यंत, कॉल टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए अत्यंत ठंड है। ही वॉज नियरली ऑन द पॉइंट ऑफ टायर्डनेस। नियरली मैंने जो पास में दिया हुआ है। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली, ठीक है ना, मैंने काफ़ी फ्लुएंटली है उसकी जो, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली, मैंने काफ़ी फ्लुएंटली है, अच्छी है। ही इज़ टॉल इनफ, इनफ मैंने क्या होता है, जैसे बहुत मतलब, इनफ मतलब इतना काफ़ी है, बहुत है, तो ये क्या है, ही इज़ टॉल इनफ टू टच द फैन, काफ़ी जो है। शी वॉज एक्सट्रीमली अत्यंत थर्स्टी, वह बहुत, वह मतलब अत्यंत प्यासा है, बहुत प्यासा है। इस तरह से ये जो हमारे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, ये स्टूडेंट्स आप अच्छे इसको पढ़ेंगे और इसको बुक में राइट करेंगे। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन 22। ओके स्टूडेंट्स।